गाइज हमारी लिस्ट का सेकंड लास्ट जो लैपटॉप आता है वो आता है एसुस की तरफ से। बट इसका नाम जानने से पहले हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लैपटॉप की डिस्प्ले के बारे में, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD फ्रेमलेस LED डिस्प्ले, जिसके जो बेजल्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतली और स्मूथ है। एंड इसके व्यूज़ को किसी भी एंगल से देखने पे इसके व्यूज़ पे किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा। गाइस इस बढ़िया डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाता है NVIDIA GeForce MX350 ग्राफिक्स का सपोर्ट, जो आपको मल्टीमीडिया वॉच करते वक्त और गेमिंग करते वक्त काफ़ी सही व्यूज़ प्रोवाइड कराता है। बैटरी की अगर इस लैपटॉप में बात की जाए तो 3 सेल बैटरीज आपको इंसर्टेड मिलेगी इस लैपटॉप में, जो आपको अप टू 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे सकती है। और भाई बैटरी के बारे में मेरा तो यही मानना है कि ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बैटरी खपत होगी। गाइस रैम एंड स्टोरेज की बात की जाए तो 8GB की अपग्रेडेबल रैम इसमें आपको मिल जाती है, जिसे आप इन फ्यूचर अपने यूजेस के अकॉर्डिंग 12GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको मिल जाती है 512GB की SSD, और भाई SSD के तो अपने ही फायदे हैं, आप सब जानते हो। गाइस चिपसेट की अगर इस लैपटॉप में मैं बात करूं तो इंटेल का कोर i5 11 जनरेशन का चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, जो 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। बट इस चीज़ को बूस्टअप करने के बाद आपको 4.2 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का वर्क परफॉर्मेंस मिल सकता है। गाइस इस लैपटॉप के एडिशनल कुछ माइंड ब्लोइंग फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी मिल जाती है, जो इसके टच पैड में होती है। यानी कि जो सीन आपको प्राइमरी डिस्प्ले के अंदर दिखेगा वही इसके सेकेंडरी डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है एक HD वेबकैम, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम की इस लैपटॉप में बात करूं तो विंडोज 10 का होम एडिशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, जिससे आपको लैपटॉप के फीचर्स समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। सो फाइनली अगर बात की जाए लैपटॉप के प्राइस के बारे में, तो इस लैपटॉप का नाम मैं अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा, और अगर आप इसका प्राइस जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप ये लैपटॉप बाई करना चाहते हो तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाई भी कर सकते हो। सो गाइस हमारी वीडियो के लास्ट प्राइस पॉइंट का जो लैपटॉप है वो आता है HP की तरफ से, एंड जिसका नाम मैं वीडियो में आके आपको बता दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लैपटॉप के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लैपटॉप के चिपसेट के बारे में, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाता है इंटेल का कोर पेंटियम सिल्वर N5000 चिपसेट, जो 1.1 GHz की फ्रीक्वेंसी की बेस स्पीड पर वर्क करता है। एंड इस लैपटॉप की बेस स्पीड को बूस्टअप करने के बाद 2.7 GHz तक की फ्रीक्वेंसी का वर्क परफॉर्मेंस आपको मिल सकता है। एंड वहीं अगर बात की जाए लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में, तो इस लैपटॉप में आपको मिल जाती है 15.6 इंचेस की माइक्रो बेजल HD ब्लैक डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिल जाते हैं इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स का सपोर्ट, जो आपको अपने लैपटॉप पे एक्टिविटी करते वक्त बहुत ही स्मूथ व्यूज प्रोवाइड कराता है। गाइस रैम एंड स्टोरेज की बात की जाए तो 4GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है, एंड इसी के साथ आपको मिल जाती है 128GB की SSD, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। बिकॉज अगर आप लैपटॉप पे इस प्राइस पॉइंट तक पे कर रहे हो तो आपको कम से कम 8GB की रैम तो मिलनी थी, पर कोई बात नहीं, आपको अदर फीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आपके लिए लैपटॉप में स्टोरेज थोड़ा कम मायने रखता है और अदर फीचर्स ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हो। गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यह लैपटॉप आपको अप टू 10 से 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है, और इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी कमाल का लगा है। बिकॉज इसमें चार्जिंग के लिए आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो आपके लैपटॉप को बहुत ही फास्टली चार्ज कर देता है। गाइस ये लैपटॉप बहुत ही लाइटवेट और बहुत ही स्लीक है। अगर आपका टाइम लैपटॉप के साथ ट्रैवलिंग के समय ज़्यादा स्पेंड होता है, तो ट्रैवलिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडोज 10 का होम एडिशन आपको प्रीलोडेड मिलता है, एंड साथ ही आपको एक मिल जाता है HD वेबकैम, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी है। सो फाइनली गाइस बात कर लेते हैं लैपटॉप के प्राइस के बारे में, तो इस लैपटॉप के मॉडल का नाम मैं अपनी स्क्रीन पे दे दूंगा, और अगर आप ये लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की हमारे लैपटॉप्स की लिस्ट, एंड मैंने लैपटॉप के उन्हीं फीचर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है जिनको देखकर एक कस्टमर लैपटॉप खरीदता है, जैसे लैपटॉप की डिस्प्ले, चिपसेट, बैटरी लाइफ वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, बिकॉज एक इतना बड़ा वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अपने घंटे को जोर से दबा लो। ओके गाइस टेक केयर, बाय बाय, मैं भी चलता हूँ।